नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके सवाल का 6th एपिसोड है। इसके अंदर हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी कौन कौन सी बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको शुरू में बता देता हूं। हम बात करेंगे कि अभी जो वायरल डिजीज है, जो महामारी फैली हुई है, इसके अंदर इन्फ्लुएंजिनम 200 क्या हमारी मदद कर सकती है। हम बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टर कौन कौन सी मेडिसिन से जो मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बात करेंगे नील शुक्राणु के बारे में, जिसको एजियोस्पर्मिया भी कहा जाता है, कि यानी शुक्राणु बिल्कुल नहीं बनना। हम बात करेंगे टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में। हम गाल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में अगर पथरी है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। हम जो किडनी पेशेंट है, गुर्दा रोग है जिसके अंदर डायलिसिस पेशेंट्स है, उनके बारे में बात करेंगे। हम हेयर रीग्रोथ के बारे में बात करेंगे। अगर किसी को पेशाब यूरिन बहुत ज़्यादा आता है तो उसके बारे में बात करेंगे। और हम कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की दवाई के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर ये इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो इस वीडियो के अंदर लास्ट में बताऊँगा कि वो आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जुझार सिंह जी का। वो लिखते हैं कि क्या आर्सेनिक एल्बम इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जुझार जी, जो आर्सेनिक एल्बम है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। और करंट सीनियो में अगर आप मेरे से बात करो तो इसको रिकमेंड भी किया हुआ है। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ज़रूर समझने की कोशिश करें कि मैंने आज दोपहर में आर्सेनिक एल्बम पर कम्प्लीट वीडियो बनाया है, और जिसके अंदर काफ़ी डिटेल में करंट सीनियोरियो में अंदर जो वायरल डिजीज़ है उसके अंदर कैसे यूज़ करना चाहिए और किस हद तक ये आपको सेफ्टी दे सकती है, वो मैंने टॉपिक कवर किया है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप डिटेल के लिए वो वीडियो देखें। लगभग 10 मिनट का वीडियो है तो इस यहाँ मैं 10 मिनट बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बात करूं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये कोई श्योरिटी नहीं है, ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये कोई 100% फुल प्रूफ इम्यूनिटी नहीं दे रही है आपको, बट हाँ, आपकी हेल्प जरूर करती है। जिस तरह से आप गिलो या मतलब तुलसी वगैरह, मैं कह रहा हूँ विटामिन सी रिच फूड लेते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहे, उसी तरह से आर्सेनिक एल्बम आप सपोर्टिंग थेरेपी के लिए ले सकते हैं। डेफिनेटली इम्यूनिटी में आपकी स्ट्रांग होगी, लेकिन बिल्कुल जो बाकी सावधानी है वो आपको मेंटेन रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश नंदा जी की। वो कहते हैं कि होम्योपैथी ठंडी है, गर्मी है या तेज़ होती है, क्या इसमें सभी बीमारियों का इलाज होता है और क्या इसमें कोई टेबलेट आती है। दोस्तों, इनका जो है मतलब कि होम्योपैथिक दवाइयां जो है क्या तेज़ होती है, गर्म होती है, ठंडी होती है, तो इसका अक्सर जो मैं कंक्लूजन या मतलब निकाल पा रहा हूँ, क्लिनिक में भी बहुत से लोग आके पूछते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, हम दवाई लें तो शरीर में कोई गर्मी तो नहीं कर जाएगी। यहाँ गर्मी से ये मतलब होता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट रिएक्शंस वगैरह पैदा होने से, या ठंडी यानी कि हमें अच्छा लगेगा, कूल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अगर मैं उस तरह से मैं समझ पाऊँ आपके क्वेश्चन को, तो इसका मतलब यही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन ठंडी होती है। यहाँ मतलब कि उन दवाइयों को लेने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शंस नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, अगर आप कोई क्रॉनिक डिजीज़ या कोई लंबे समय से बीमारी है और कोई तरह की आप एलोपैथिक या आयुर्वेद या और भी कोई दूसरी चिकित्सा प्रणाली या कोई भी आपकी अगर दवाइयाँ चल रही है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उसके साथ होम्योपैथी ले सकते हैं। बस 1 घंटे का आपको आपस में गैप रखना होता है। और ये सभी बीमारियों के इलाज की बात कर रहे थे हम लोग, तो देखिए कोई भी पैथी हो, हर पैथी का एक लिमिटेशन होती है कि कुछ जगह बहुत अच्छा और कुछ जगह उनकी लिमिटेशन आ जाती है। तो होम्योपैथी बहुत सी और या आप कह सकते हैं सभी बीमारियों में काम की है, लेकिन जब भी कोई एक्यूट कंडीशन आ गई, कोई इमरजेंसी सर्विस आ गई, या वो कंडीशन जो बिल्कुल ही ऑपरेशनल हो गई है कि भाई इसका तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ लिमिटेशन आ जाती है। अदरवाइज सभी बीमारियों का इसमें बहुत अच्छा इलाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस जी का। वो कहते हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी की मेडिसिन बताएं। देखिए प्रिंस जी, ऐसा ये बहुत बड़ा टॉपिक है टेस्टिकुलर एट्रोफी, इस पर मेरे अलग से इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो इसका जो कारण होता है वो देख लेना होता है, कि इसका हर आदमी के अंदर अलग कारण होता है, हर आदमी की अलग लाइफ हिस्ट्री होती है, वो देखनी होती है कि आपके केस के अंदर या किसी भी पेशेंट के कारण इसका कारण क्या है। तो इसमें कुछ एग्जामिनेशन की भी जरूरत पड़ती है, कई बार कुछ आपको सोनोग्राफी वगैरह भी करवाई जाती है या दूसरे टेस्ट भी करवाए जाते हैं। अगर मैं रूटीन में बात करूं कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो मतलब इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स देती है, ओरोमेड 30 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है टेस्टिकुलर एट्रोफी की, और इसको 30 पावर में रोज सुबह दिन में एक बार दिया जाता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है आयोडम 30 और सबाल सेरुलाटा 30। ये दोनों मेडिसिन आयोडम 30 और सबाल सेरुलाटा 30, इनको 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिया जाता है। ये टेस्टिकुलर एट्रोफी की बहुत अच्छी मेडिसिन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव पाल जी का कि एज 39 ईयर है और शुक्राणु की कमी है, बिल्कुल ही नील है। देखिए राजीव जी, इसको एजियोस्पर्मिया कहते हैं, यानी एजियोस्पर्मिया यानी वो कंडीशन जब आपके स्पर्म्स होते हैं बिल्कुल, जो काउंट होता है बिल्कुल जीरो होता है, शुक्राणु बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो अगेन मैं बोलूँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके बहुत से वीडियोज़ हैं, मैं एडवाइस करूँगा डिटेल के लिए आप वो देखें, क्योंकि इसके अंदर हर आदमी की अलग हिस्ट्री है, हर आदमी के अंदर अलग, उसका कारण देखना होता है कि आप किस कारण से आपको एजियोस्पर्मिया हुआ है। हो सकता है कि आपको वेरिकोसील है या हाइड्रोसील है, कोई इंजरी हुई हुई है, आपका हीट यानी गर्मी से कोई एक्सपोजर हुआ है, टेस्टिस का कोई ऐसा काम है, रेडिएशन से एक्सपोजर है, या और भी कोई दूसरी हिस्ट्री हो सकती है। तो उसको हिस्ट्री को देखना होता है, एग्जामिनेशन कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद मेडिसिन लेना मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए बेस्ट रहता है। बट यहाँ मुझे अगर मैं आपको रूटीन की मेडिसिन बताऊँ जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, तो वो होती है डेमियाना मदर टिंचर, उसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। ट्रिबुलिस्टर मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। इन दोनों ऊपर मेरे अलग से वीडियो भी बने हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कोनियम 200 को दिन में 1 बार लेना चाहिए, ग्लैंड्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है और टेस्टिस पे अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। ये मेडिसिन है, जब अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उनसे आपको इनसे अच्छे रिजल्ट्स की मैं उम्मीद करता हूँ, और हमें अच्छे रिजल्ट्स अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है FWSVG का, लिखते हैं पापा के गाल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स है, 12 mm, 9 mm, 6 mm, और इनको सर्जरी एडवाइस की हुई है, बट अभी सारे हॉस्पिटल्स बंद है और काफ़ी तकलीफ हो रही है। देखिए FWSVG, गाल ब्लैडर में अगर मल्टीपल स्टोन्स है जो आपने बताया और इसमें मैं देख पा रहा हूँ, तो मल्टीपल स्टोन्स में अक्सर हमें सर्जरी करानी पड़ सकती है। और लेकिन ये भी होता है कि बहुत से लोगों को हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, कोई तरह की इमरजेंसी नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है, और हम कई बार मेडिसिन देते हैं तो धीरे धीरे इनकी साइज़ कम भी होने लग जाती है। बट अगर इमरजेंसी है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं एडवाइस करूँगा फिर आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि अगर इमरजेंसी सर्विसेज होती है तो वहाँ पर हमारी होम्योपैथी की लिमिटेशन आ जाती है, और वो सर्जन ही वहाँ पर आपके लिए बेटर ऑप्शन होते हैं। लेकिन जैसा आपने नेक्स्ट बताया कि सारे हॉस्पिटल्स बंद है और डॉक्टर सर्जरी नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सी मेडिसिंस होती है जो कुछ रिलीफ दे सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो मेडिसिंस मेरी क्लिनिक में मैं ज़्यादातर केसेस में यूज़ करता हूँ, हालांकि जैसा मैं ऐसा कहता हूँ पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, वो है लाइकोपोडियम 200 वीक में 1 बार लेनी चाहिए, कोलेस्टेरिनम को 6x पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। आप इसके अंदर जो है डायोस्कारा होता है, डायोस्कारा मदर टिंचरी MT, उसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, बर्बरिस वल्गरिस की 15-15 बूंद दिन में 3 बार, और कार्डुस मार मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन में 3 बार। ये वो मेडिसन्स है जिनको देखा गया कि ज़्यादातर केसेस के अंदर इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दर्द, तकलीफ, डिस्कम्फर्ट, उनके अंदर हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कोई इमरजेंसी है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी का जी का, वो लिखती हैं कि डायलिसिस पेशेंट के लिए मेडिसिन बताएं और हेमोग्लोबिन भी कम है। देखिए वापस रोशना के जी, डायलिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, हेमोग्लोबिन कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, डायलिसिस कितनी बार हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें हैं। बट इसके अंदर होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अलग हैं, इस पर मेरे अलग से वीडियो बने हुए हैं, डायलिसिस, CKD यानी क्रोनिक किडनी फेल्योर डिजीजेज वगैरह, आप वो भी देख सकती हैं। क्रिएटिनिन यूरिया के ऊपर मेरे अलग से वीडियो बने हुए हैं। बट मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बताऊँ तो सबसे पहली बात, आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या जिनका भी ट्रीटमेंट चलता है उनको 100% फॉलो करना है, जो डाइट चार्ट दिया हुआ उसको 100% फॉलो करना है, उनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। पैरेलल में आपको लगता है कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें अच्छे रिजल्ट्स देती है, अगर मैं आपको एडवाइस करूं जो मेरी क्लिनिक में मैं देता हूँ, वो है सीरम एंजिल, जिसको एल सीरम भी कहते हैं, उसको 6x पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए एल सीरम को, और 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप या आधा कप गुनगुने पानी में लेना ठीक रहता है। और सेकंड जो मेडिसिन है वो यूरिया पूरा 30 पोटेंसी में सुबह शाम, और टर्बेंथिना 30, इनको भी सुबह शाम। ये कुछ मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द केसेज में अच्छे रिजल्ट देती है। इन सब के साथ मैं मेडोराइनम को 200 पोटेंसी में अगर वीक में 1 बार लेते हैं तो मेरी क्लिनिक में मैं देखता हूँ काफ़ी केसेज में इनसे हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि मेडिसिन हमेशा पर्सन टू पर्सन, केस टू केस वेरी हो जाती है, बट जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन अच्छे रिजल्ट देती है वो मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय जी का, लिखते हैं 30-year-old मैन है, हेयर रीग्रोथ हो सकता है क्या? देखिए इसका आंसर है हाँ और इसका आंसर है ना, दोनों है इसके आंसर। कारण क्या है कि ना, इसलिए कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में आप देखते हैं कि आपके पापा जी हैं, आपके अंकल जी हैं, आपके दादा जी हैं, यानी अगर आपकी फैमिली के अंदर जो मेल्स हैं उनकी एक पैटर्न, एक हिस्ट्री है कि परिवार में पुरुषों के अंदर बाल गिरते हैं, वो कोई भी पैटर्न हो सकता है, फ्रंट से बाल गिर सकते हैं, जैसे मेरे भी आप देखेंगे फ्रंट से बाल नहीं है तो पीछे से बाल गिर रहे हैं, कई पुरुष में आप देखेंगे कईयों का पूरा गोला बन जाएगा। तो अगर जेंट्स हैं और उनकी फैमिली में हिस्ट्री है इस तरह की हेयर जाने की, बाल जाने की, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है,
है कि नहीं, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। बट अगर आपके साथ में फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके कारण ये उसमें ये देखना होता है कि आपकी फैमिली के अंदर तो नहीं है बट आपके इंडिविजुअल बॉडी के अंदर कोई आपको तकलीफ रही हो, जैसे अगर आपको डेंड्रफ रहा है तो उसके कारण हेयर फॉल हुआ है तो उसको ठीक करना होता है। आप लंबे समय तक अगर बीमार रहे हैं कोई तरह का, उसको ठीक करना होता है। आपकी डाइट सही नहीं है, आपका खाने पीने का रूटीन सही नहीं है, लेकिन नहीं हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, टाइम से नहीं सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं। आजकल बहुत से लोग जो है जेल वगैरह क्रीम वगैरह सिर में बालों में बहुत ज़्यादा लगाते हैं, उसके कारण हो सकता है। हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है। तो उन सबको हमें ठीक करना होता है। और रूटीन में जो मेडिसिन, अगर मतलब फैमिली हिस्ट्री नहीं है और सिर्फ आपके साथ हुआ है तो जो मेडिसिन से इसमें अच्छे रिजल्ट देती है, सबसे पहली बात सेलेनियम 200 पोटेंसी में दिन में एक बार अच्छे रिजल्ट देती है, नेटम्यूट को 30 पोटेंसी में, बेरेटा कार्ब को 30 पोटेंसी में और एसिड फोस को 30 पोटेंसी में। इन तीनों मेडिसिन नेटम्यूर 30, बेरेटा कार्ब 30, एसिड फोस 30, इनको 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए और सेलेनियम 200 को दिन में एक बार। प्लस आपको जेबोरंडी ऑयल लगाना चाहिए और बाकी जैसे हमने बताया अच्छी डाइट लें और बालू में कोई भी तरह का जो है दूसरे कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ नहीं करें। तो अक्सर देखा गया कि अच्छे रिजल्ट धीरे धीरे इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन याद रखिएगा 3-4 महीने बाद आप इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन यादव जी का कि किडनी में पथरी थी अब ठीक है पर टॉयलेट ज़्यादा आता है। अर्जुन जी देखिए, आपने ये नहीं बताया कि आपकी क्या एज है या कोई दूसरी बीमारी है क्या, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप यंग एज के हैं और 40 के आसपास तक भी हैं या अगर इससे भी कम एज के हैं, और अगर आपके शरीर में डायबिटीज़ नहीं है, आपको अगर जो है कोई तरह का दूसरी बीमारी नहीं है, मतलब BPH यानी प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ नहीं है, UTI आपको नहीं हुआ हुआ यानी पेशाब से कोई जलन वगैरह नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल है और यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो एक तो ये देख लेंगे आप AC में तो ज़्यादा नहीं बैठे रहते हैं या सर्दी के मौसम ठंडी जगह ज़्यादा रहते हैं तो उसके कारण भी यूरिन ज़्यादा आता है। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर दो मेडिसिन इसमें अच्छे रिजल्ट देती है। पहली है अल्फा लाफा मदर टिंचर, उसकी 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेने से पोली यूरिया कहते हैं हम उसको, उसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेकेंड है एसिड फोस मदर टिंचर, इसकी भी 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं तो यूरिया या यूरिन ज्यादा आना उसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राज जी का, वो लिखते हैं कि कब्ज की मेडिसिन बताएं। राज जी कब्ज का कारण समझना होता है और कब्ज या कॉन्स्टिपेशन इसका कारण समझना होता है। मैं यहां बात कर रहा हूं कि कब्ज किसी को प्रेग्नेंट लेडीज है या छोटे बच्चे उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक एडल्ट हेल्दी पुरुष या महिला है उनकी बात कर रहा हूं जो प्रेग्नेंट नहीं हो, महिला और हेल्दी पुरुष एडल्ट जो है उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और प्रेगनेंसी में अलग मेडिसिन है, बच्चों के लिए अलग मेडिसिन, बट मैं हेल्दी मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ और लेडी प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ऐसे केसेस के अंदर हम बात करें तो आप ये देखें कि आपका खाना पीना सही है क्या, फाइबर प्रॉपर जा रहा है क्या, वाटर इंटेक सही है क्या, बाहर का खाना तो ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, मसालादार तो ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, आप स्मोकिंग तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, नॉनवेज तो ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, हरी सब्जियाँ जो है इसके अंदर आपको खूब खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें, फ्रूट ज़्यादा लें, और इन सब के साथ कुछ मेडिसिन होती है जो आपकी हेल्प कर सकती है। सल्फर को 200 पोटेंसी में आपको वीक में एक बार लिया जाना चाहिए और ट्रीटमेंट इसी से शुरू हो जाना चाहिए कि सल्फर 200 की आपने एक डोज ली। उसके बाद में लाइकोपोडियम को 200 पोटेंसी में रोज सुबह दिन में एक बार लिया जा सकता है, ब्रायोनिया को 200 पोटेंसी में रोज दोपहर में एक बार ले सकते हैं या दोपहर में आप घर से बाहर रहते हैं तो इवनिंग में लगभग 6-7 बजे एक डोज ले सकते हैं, और नक्सोमिका 200 को नाइट के अंदर लगभग आप कोई भी आदमी जब सोने जा रहा है तो उससे 2 घंटे पहले उसकी एक डोज ले सकते हैं। तो लाइको को 200 सुबह, ब्रायोनिया को दोपहर में और नक्स को 200 पोटेंसी नाइट में, प्लस आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दीपक राज जी का, वो लिखते हैं कि अभी जो वायरस फ्लू महामारी बना हुआ है एक तरह का फ्लू ही है क्या और इसमें इन्फ्लुएंजा ले सकते हैं क्या। उनका कहना यह था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इनफैक्ट मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था कि अभी जो वायरस है ये भी एक तरह का फ्लू ही है वैसे देखें तो, और क्या इसमें इन्फ्लुएंजा हेल्प कर सकती है। दोस्तों इन्फ्लुएंजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक तरह का नोसोड है और मेरी क्लिनिक में मैं इसको जब भी कोई वायरल या फ्लू होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं भी देता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसको कल दोपहर में ही मैं इसको मतलब अपलोड करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, तो उसको आप जरूर देखें। और मेरा इसमें आंसर है हाँ, इसको दिया जा सकता है, यूज़ कर सकते हैं अपन एज ए प्रिवेंटिव सेफ्टी मेजर है ना, बट ऐसा नहीं है कि इसको लेके हम लोग जो है कि फ्री हो गए कि भाई नहीं अब हमने ये ले ली तो हमें जो है कोई महामारी या वायरल डिजीज़ नहीं होने वाली। बट आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसको हम इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, हमारी हेल्प जरूर करेगी। दोस्तों आप मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कल दोपहर में जो वीडियो शूट होगा वो इन्फ्लुएंजा 200 पे हमारा वीडियो होगा यानी 27 मार्च 2020 को, और उसके कमेंट्स बॉक्स में जो
आप क्वेश्चन पूछोगे उसको कल नाइट में मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। अभी नेट स्लो चल रहा है, अगर ये वीडियो मतलब अपलोड अभी जैसे कल वाला कल नहीं हुआ तो मैं परसों सुबह करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो अभी अपलोड कोशिश करूँगा मैं 26 मार्च को ही, बट अभी नहीं हुआ तो कल अर्ली मॉर्निंग में मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि नेट बहुत स्लो कर दिया है अभी यहाँ गवर्नमेंट ने। तो लास्ट में ये बोलूँगा, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।